यस गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन. नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज नॉट अ पैरेललोग्राम. काइट, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस सारे टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. इसका आंसर काइट भी हो सकता है और ट्रेपीजियम भी हो सकता है. ये लिखो नेक्स्ट. गिवन टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी एंड पीआरक्यू, एंगल ए इज 20, एंगल क्यू इज 20, एसी इज इक्वल टू क्यूपी, राइट correspondence if triangles are congruent. jaldi karo.
हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन, गिवन टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड पी आर क्यू, एंगल ए दिया हुआ है, एंगल क्यू दिया हुआ है, ए सी और क्यू पी इक्वल दिए हुए हैं, राइट द कॉरेस्पॉन्डेंस इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कौन सा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ट्राइंगल का नेम लिखना है, बता सकते हो क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस, ट्राइंगल एबीसी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, क्योंकि ए और सी दे रखा है ना, बी मिसिंग है, इसमें आर मिसिंग है, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर हो गया, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, ये बन गया, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, बता सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होंगी, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू पी, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स को क्या कहते हैं, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल, क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो थ्री वर्टेक्स भी होते हैं लेकिन नहीं, एलिमेंट्स में सिर्फ तीन, छह चीजें काउंट होती है, थ्री एंगल थ्री साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ट्राइंगल है जहां पे ये साइड वन वाली साइड वन के इक्वल है, टू वाली टू के, थ्री वाली थ्री के, ठीक है। एडी और पीई जो है वो मीडियन है, और मीडियन क्या करते हैं, साइड को इक्वली डिवाइड करते हैं। जसलीन आप पीछे वाले बेंच पे हो रहे हो, आप पीछे चले जाओ, नहीं नजर आ रहा, एक पीछे चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ये मीडियन जो है बेस को इक्वली डिवाइड करते हैं, क्लियर। फाइंड करना है पी आर, कैसे फाइंड करेंगे, पी आर कितना आ जाएगा, फाइव, ठीक है। एक्चुअली कैसे आएगा ये पता है आपको, छोटे वाला ट्रायंगल छोटे वाले के इक्वल है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ऑब्वियस हो जाएगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रिपल एस से, अगर ये छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल है बाय सीपीसीटी, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपी छोटे वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो, अब बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, प्रूव्ड अबव, छोटे वाली साइड इक्वल है तो इसका डबल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। आपकी बुक का थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, मीडियन वाला क्वेश्चन है, देख लेना, शायद थर्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन है थर्ड एक्सरसाइज का, ये पक्का है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। पहले छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय ट्रिपल एस, उससे आपने एंगल इक्वल कर दिया और साइड एंगल प्रूव्ड अबव आ गया, ये साइड इक्वल है तो इसका डबल भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मीडियन, और मीडियन बेस को डिवाइड करता है, तो अगर हाफ ऑफ इक्वल है तो डबल भी इक्वल होगा, तो ये पूरा बेस इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली और ये वाली सेम हो जाएगी, फाइव फाइव, क्लियर। नेक्स्ट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मगन
हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? बहुत इजी है ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बड़े वाला, ये साइड इसके इक्वल, यहां से आओ वहां से क्या, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, ठीक है, साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन, ट्रिपल ऐसे ट्रायंगल क्या हो गए? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एक्स कितना हो जाएगा 37, वाई कितना हो जाएगा 7, ट्रिपल ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी एंगल इक्वल, क्लियर है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बड़े वाले, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, ये एंगल भी निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो ये आएगा वही ये आएगा, एक्स इज इक्वल टू 37 बाई सीपीसीटी, वाई इज इक्वल टू 70 बाई सीपीसीटी। अच्छा आपसे बी एंगल पूछा जाए तो बताओ क्या आएगा? एंगल बी और सी इक्वल है, बी कितना आएगा? इक्वल टू 180, 180 में से माइनस करना, ठीक है, फाइंड कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, क्या मीनिंग है इसका? ये साइड इसके इक्वल, साइड इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, साइड्स भी इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। अब एक और चीज देखो, मतलब ये एंगल वन और एंगल टू क्या हो गए? इक्वल। अब ये वाली साइड जो है ना वो इसके इक्वल है, अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इस वाले इक्विलेटरल थोड़ी है, इक्विलेटरल एक ट्रायंगल में होता है, साइड्स इक्वल हो गई, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस। अगर साइड इक्वल है तो इनके बेस एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल। जैसे ये आइसोसेलेस है, ऐसे ये भी आइसोसेलेस बन गया, तो इसका 3 और 4 इक्वल होगा। अब आपने बी सी डी एंगल फाइंड करना है, बी सी डी ये एंगल पूरा 2 + 3 फाइंड करना है, आपको ये पता चल गया कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 3 जो है 4 के इक्वल है, और सारे एंगल्स का सम कितना है? 180। एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180। आपको चाहिए क्या 2 + 3? आपको 1 नहीं चाहिए, आपको 4 भी नहीं चाहिए, 1 की जगह लिख सकते हैं 2, ये सेम, 4 की जगह लिख सकते हैं 3, ये ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस हो गया, ठीक है, 2 कॉमन, एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 एंगल 2 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन इज इक्वल टू 180, इसको यहां जाके डिवाइड करो, 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। आपकी बुक में ये शो करने के लिए दिया हुआ है कि शो करो बीसीडी का सम जो है वो, बीसीडी एंगल जो है वो 90 है, निकाल नहीं सकते, दोनों का सम मिला के 90 है, ठीक है। नेक्स्ट करो ट्राई, जिन्होंने नोटबुक सेंड नहीं की है उनके मार्क्स नहीं लगेंगे, याद रखना।
पहले वो सॉल्व करो। पीएस जो है पीआर के इक्वल है, एंगल पीपीएस जो है वो क्यूपीआर के इक्वल है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दो, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करोगे है? दो चीजें हैं, तीसरी चीज कहां से लाओगे? मिड पॉइंट कहां से आ गया? पर मिड पॉइंट वैसे भी किसी लाइन पे होता है, ये तो वर्टेक्स है। जो सेंटर वाला एंगल है ना कॉमन, वो दोनों तरफ ऐड होगा। एक चीज कम लग रही है, दो चीजें दी हुई है, एक चीज और होनी चाहिए थी। देखो इधर आपके पास ये दिया हुआ है कि ये साइड, इसमें ना पता क्या करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। ये जो थ्री है ना दोनों तरफ ऐड कर दो, वन टू के इक्वल है, दोनों तरफ थ्री ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा? टी पी आर, और ये क्या बन जाएगा? क्यू पी एस। अब यहां देखो, इस फिगर में आपके पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गई। छोटे ट्रायंगल नहीं लेने, ये वाला लेना है, ठीक है। एक चीज और होनी चाहिए, वो ये है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, उसमें ये कॉमन पोर्शन ऐड कर देना, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूल देखना पड़ेगा बनता है कि नहीं, अदरवाइज ये दिया होगा आपको, कोई और एक चीज दी होगी, इसमें दी नहीं हुई, क्वेश्चन मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट है। तीन चीजें होंगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो बाय सीपीसीटी ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, ये होना चाहिए, ठीक है। एक चीज मिसिंग है, वो होनी चाहिए, क्या हुआ? ये साइड इक्वल, ये पूरा एंगल इसके इक्वल। एक चीज और दी होगी जो अभी नहीं दी हुई है, एक चीज और भी हो सकती है, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसकी ये साइड इक्वल है, तो इसका ये और ये एंगल भी क्या होगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अब देखो जरा, अब हो गया शायद, ये देखो, अरे लाइन पैरेलल्स में बनती है, ये पैरेलल थोड़ी है। यहां देखो, अच्छा मैं कह रही हूँ पैरेलल में बनता है, कहता बन रहा है, पैरेलल का कंसेप्ट ही नहीं है, वो कहां से आ गया? पी टी क्यू एस आर, देखो इधर, ये जो कॉमन वाला पोर्शन ऐड करने वाला है, ये तो करना ही करना है। मैंने फिगर दोबारा बनाई है इसलिए आपको बताने के लिए कि ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल इसके क्या होगा? इक्वल। अब देखो, अब एक ट्रायंगल को पहले समझो, ये ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, एंगल साइड एंगल, ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल का एंगल साइड और ये एंगल, ए एस ए से ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। कॉमन ऐड नहीं कर सकते, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बुक में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है जिसमें कॉमन वाला एंगल नहीं, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ऐसे करके क्वेश्चन है, ये एंगल दिया हुआ है कॉमन वाला, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, एक और भी है जिसमें क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है, नहीं ये नहीं, एक क्वेश्चन और भी दिखाओ इधर, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है उसमें ये
ये वाला, इसमें ये बीच वाला एंगल मिसिंग होता है, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसमें ये बीच वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं। ऐसी ये है, ये पोर्शन दिया नहीं हुआ लेकिन कॉमन दोनों में है, तो दोनों तरफ दोनों एंगल में है। ये वन है, ये टू है, ये थ्री वाला, दोनों तरफ ऐड कर दो। ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो ये इक्वल हो जाएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम मैंने कल आपको क्वेश्चन सेंड किया था, वो क्वेश्चन समझ कर दूंगी, करके सेंड कर दूंगी। ये करो सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। हाँ जी, ये सॉल्व कर लिया। फाइव सेम, ये क्या बन जाएगा, टू रेस टू पार फोर, थ्री रेस टू पार थ्री, टू फाइव जै टेन, प्लस थ्री होल रेस टू पार वन बाय फोर है। ओ ब्रैकेट है, हाँ ये ब्रैकेट है, टू बाहर, ये फाइव बाहर, टू प्लस थ्री, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट है। ये कितना हो जाएगा, फाइव 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 स्क्वायर हो गया इंटू वन बाय फोर, फाइव की पावर वन बाय टू, क्या होता है ये, फाइव रेज टू पावर वन बाय टू क्या होता है, रूट फाइव, बस यही छोड़ देना। नेक्स्ट करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थ्री माइनस फोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, बोलो लीजा।
ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। 5 कहां से आ गया अर्णव? फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, 4 यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बोलो दीपकीर्ति। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी और आर के कोऑर्डिनेट मिसिंग है, फाइंड करने हैं। देखो इधर, अगर ये 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 5 का मतलब क्या है? एक्स अगर 5 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो है इसका, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब ये 5 है, ठीक है, ये 0.5 है, और ये वाई 2 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो है ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया और ये 5 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, इसका मतलब ये 0.5 आ गया। एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से है? एक्स एक्सिस से। ये बताओ कितना होगा? यहां देखो, ये -2.4 है, इधर वाला -2.4 है, ये भी -2.4 होगा, ये वाला भी -2.4 होगा, इतना डिस्टेंस, इसका मतलब ये वाला भी -2.4 होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -2.4, 5, ठीक है। अब इधर ये आपके पास है, इधर आ जाओ, ये 5 है, ये वाला भी 5 था, ये भी 5 था, अब ये चाहिए आपको, ये यहां से y कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जो है वो 2 हो गया, ये 2 है तो ये भी क्या होगा? 2। ये बताओ कितना होगा ये वाला? ये 2 है ना, ये 5 है तो ये कितना है? 2, ये भी 2, ये भी 2, 2, -2, ठीक है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डिस्टेंस देख लेना, बस ध्यान से देखना, गलती हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, ये क्लियर है?